पूरे देश में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत अनेक जागरूकता के संदेश देने का काम किया जाएगा। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर शहर के सिविल लाइन स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा से एक मशाल जुलूस भी निकाला गया। ये मशाल जुलूस शहीद स्मारक से शुरू होकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन कार्यालय पर जाकर समाप्त हुआ, जहां सभी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से शहीदों को नमन किया और कहा कि देश के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों को आज हम सब याद कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने सिटी चैनल को जानकारी दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता का संदेश देने के लिए काम कर रही है। आज शहीदों के सम्मान में जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बानी दी, उसके जो 1999 में हमने विजय कारगिल की विजय प्राप्त की थी, उसके निमित्त कि आज कारगिल विजय दिवस के रूप में हमने मशाल जुलूस निकाला है और उन सैनिकों को सम्मान, उनके परिवार को हमने सम्मान दिया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। आज का ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे द्वारा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को सम्मानित किया गया, साथ ही एक मशाल जुलूस भी निकाला गया। जुलाई को कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, उसी निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा में पूरे राष्ट्र में आज के दिन उन शहीदों को इस मशाल जुलूस के माध्यम से उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मुरादाबाद में भी इसी क्रम में ये मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। हम आज के दिन उन शहीदों को और भारत की स्वाधीनता में जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान रहा, उनके परिवार को भी सम्मानित करने का काम कर रहे हैं और इस मशाल जुलूस के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीद परिवारों को नमन करने का काम कर रहे हैं।